हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फिश डॉक्टर हेल्पलाइन। मैं हूँ डॉक्टर ताहिर, एक फिश वेटरनरी एक्सपर्ट। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि न्यू टैंक के अंदर हम फर्स्ट टाइम वाटर टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है वाटर ट्रेनिंग। वाटर फिलिंग की वीडियो आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। और अब जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ड्रेन वाटर, ठीक है। अब एक्वेरियम के अंदर गंदगी कैसे आती है न्यू एक्वेरियम के अंदर, और क्यों हमें मल्टीपल वाटर चेंजेस करने पड़ते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेश टैंक की वाटर चेंजेस की जो स्टेजेस होती हैं वो कितनी होती हैं और कैसे होती हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ये भी बताया था वीडियो के अंदर कि मैं आपको ऐसा पावर फिल्टर पावर हेड में आपको बताऊंगा जिससे आप जो है बॉटम की जो गंदगी है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वो हम लगाएंगे लेकिन तब जब हमारी थर्ड स्टेज पूरी हो जाएगी। अभी ये फर्स्ट स्टेज थी जिसमें हमने वाटर टेस्ट किया। नॉर्मली 24 to 48 hours के लिए आप टैंक को टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा से वाटर भर सकते हैं। फर्स्ट जो इनिशियल वाटर चेंजेस होते हैं वो 3 दफ़ा होते हैं, ठीक है। ये टैंक क्योंकि काफ़ी बड़ा है और जो इसकी कैपेसिटी है वो 200 गैलन की है और इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसमें वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने इसकी टेस्टिंग के लिए 7 days डिसाइड किए और 7 दिन हमने इसको केले के पानी भर के और जो इसका सम्प है उसको हमने मॉनिटर करके छोड़ा हुआ था, ठीक है। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि संत जो लोग अपने टैंक्स के अंदर लगाते हैं, ठीक है ना, तो समझते हैं कि जी सिर्फ सम इनफ होता है वाटर की फिल्ट्रेशन के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी और प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये फर्स्ट स्टेज के अंदर है, अभी हम वाटर को ड्रेन करेंगे, ठीक है। मैंने इस टैंक के अंदर हर वो चीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है जो आसान, जो हर कोई कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपर्ट ही उसको अवेल कर सके, हर कोई उसको अवेल कर सके और अपने लिए सॉबी को कन्वीनियंट बनाए, ठीक है। अब हम इसका वाटर ट्रेनिंग टेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से इसके अंदर जो है पानी भरेंगे और फिर हम इसको दोबारा से साइफन करेंगे, अच्छी तरह से ग्लास वॉश करेंगे। और अभी भी ड्रेन करने से पहले हम अच्छे से ग्लास वगैरह वॉश करेंगे ताकि वो जितनी भी डर्ट है वो पानी में फ्लोट करने लगे और हम उसको ड्रेन कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ वाटर ट्रेन करेंगे तो जो भी गंदगी ग्लास के ऊपर सेटल हुई हुई है वो एज इट इज़ रहेगी और आप नया पानी डालेंगे और फिर निकालेंगे तो आपको पानी क्लाउडी लगेगा, भले वो साफ़ हो गया हो लेकिन ग्लास गंदा होने की वजह से। अच्छा, मेन ग्लास जो होता है टैंक का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सारी ब्यूटिफिकेशन इसी के ऊपर बेस करती है टैंक की, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं आपको स्टेजेस बता देता हूँ, ठीक है। स्टेजेस ये है, हम इसका पानी निकालेंगे, इसको साइफन करेंगे, ठीक है। पहले साइफन करेंगे उसके बाद पानी निकालेंगे, या फिर देख लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, दोनों ही चीज़ें ठीक है, सही है ना, तो उसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद हम दोबारा भरेंगे पानी, दोबारा भरने के बाद अच्छे से ग्लास की वॉल्स वगैरह साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर हम एक दफ़ा ड्रेन करेंगे। टिल हम तब तक ड्रेन यानी कि पानी भरते रहेंगे और निकालते रहेंगे जब तक पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। देन उसके बाद जो है सेकेंड स्टेज आती है सस्टेट की, या जिसको ग्रेविल बोलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली लोग ग्रेविल को टैंक के अंदर ही वॉश करना पसंद करते हैं क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और उसको बाल्टी के अंदर वॉश करना थोड़ा सा मेहनत और हेक्टिक वाला काम है, ठीक है ना। तो जितने एक्वेरियम बनाने वाले होते हैं क्योंकि वो मोस्टली खुद ही सेटअप करते हैं सारे टैंक को, तो उनके लिए ये चीज़ कन्वीनियंट होती है
कि वो इसी के अंदर उसको वॉश कर लें और दो तीन दफ़ा वॉश करके जो है पानी निकालें और नया पानी भर दें, और उसके बाद जो क्लम्पनेस उसके अंदर रहती है उसके लिए वो 20 रुपये का जो ब्राइटनर आता है वाटर ब्राइटनर वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और उससे वो क्लियर हो जाता है। क्लियर तो हो जाता है लेकिन वो डर्ट रहती है टैंक के अंदर, ठीक है। अब वो डर्ट जो रहती है और वो जो उन्होंने ब्राइटनर डाला होता है, बेसिकली वो ब्राइटनर जो होता है वो अमोनिया डेवलप करता है टैंक के अंदर। अब जब आपने वो एक बॉटल डाल दी, उससे फर्क नहीं पड़ा, दो बॉटल डाल दी, ठीक है ना, तीन डाल दी, मैंने भी इसके ऊपर टेस्ट किया, तीन बॉटल डाल के, बट वो क्लॉडनेस गई नहीं, ठीक है ना। और इसलिए नहीं कि वो एक सही तरीका है, इसलिए क्योंकि वो एक गलत तरीका है। और मैं ये बताना चाह रहा था कि ये चीज़ करना एक तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि उस पानी के अंदर अगर आप अपनी फिशेज को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कुछ ही घंटों में मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन अमोनिया को हाई करती है पानी के अंदर, ठीक है। अब नया टैंक होता है, साइकिल भी नहीं हुआ होता, तो बहुत सारी चीज़ें वो डिटेल आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इसको बार बार वाटर चेंज करने की, और ये डर्ट जो है नए टैंक के अंदर आती कहाँ से है, ठीक है ना, क्योंकि नया टैंक बना हुआ है, इसके अंदर काफ़ी गंदगी है। तो गंदगी आती है जब हम इसके अंदर वाटर फिल करते हैं, तो मोस्टली हम जो है पाइप लगाते हैं और उससे फिल करते हैं। अच्छा, पाइप क्योंकि रेगुलरली यूज़ नहीं हो रहा था डेली बेसिस के ऊपर, तो इसलिए उसके अंदर मिट्टी और गंदगी रह जाती है। जब आप नया पानी भरते हैं और वो प्रेशर से आता है तो वो सारी गंदगी लाके आपके टैंक के अंदर छोड़ देता है, ठीक है। तो आपने उस गंदगी को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, उसी के लिए ये सारे मेथड्स हो रहे हैं कि ये बना बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि कितनी डर्ट है, और वो डर्ट जो है वो पाइप के जरिए आई है, जो पाइप के अंदर चलने की गंदगी थी वो इसके अंदर आई है, ठीक है। पहले हमारा इसको तीन दफ़ा हमारा ये स्टेज चलेगी, ठीक है, 3 स्टेजेस के अंदर। इसके अंदर हम, मैंने आपको बताया, ग्लास साफ करेंगे, साइफन करेंगे, ग्लास साफ करेंगे, बट इसके अंदर हम दो दो दिन का गैप देंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो डर्ट जो है एक जगह सेटल हो जाए, सेटल होने के बाद हम उसको साइफन करके निकाल सकें। अगर हम उसको छोड़ेंगे नहीं और सिर्फ पानी निकाल देंगे तो वो डर्ट सेटल नहीं होगी कहीं पर भी, तो वो पूरी तरह से फिर नहीं निकल पाएगी। तो ज़रूरी है कि उसको हम अच्छे से साइफन करें, उसको पहले सेटल होने दें 24 से 48 घंटे, उसके बाद दोबारा पानी निकालें, ठीक है, सेकेंड स्टेज। उसके बाद थर्ड स्टेज के अंदर हम दोबारा उसके अंदर पानी निकालेंगे, लेकिन वो ब्राइटनर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, वाटर कंडीशनर यूज़ करेंगे जो प्रॉपर होता है, ठीक है ना। और उसके बाद वो इंशाल्लाह जो है पानी की ब्राइटनेस को बढ़ा देगा, ठीक है ना, और आप जो क्लैरिटी चाहते हैं वो क्लैरिटी भी आ जाएगी, और आपके टैंक के अंदर कहिए आपको वाटर कंडीशन भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फिश। बेसिकली वाटर कंडीशनर जो होता है उसको वाटर कंडीशनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका काम होता है वाटर की कंडीशन को अकॉर्डिंग टू फिश बनाना, ठीक है। जो मछली को माहौल चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कंडीशनर का मेन मकसद होता है, ठीक है। तो लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो 20 रुपये वाली बोतल जो आती है एंटी क्लोरीन वो यूज़ करते हैं, और ये समझते हैं कि जी हमने एंटी क्लोरीन डाल दिया इससे बैक्टीरिया भी ग्रो हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा और हमारा टैंक साइकिल हो जाएगा। बेसिकली तो जो आपको एंटी क्लोरीन बोल के दिया जाता है वो एंटी क्लोरीन नहीं होता है, वो बेसिकली हाइपो होता है, और वो एक्वेरियम के लिए होता भी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे उसको एक्वेरियम की शॉप्स के ऊपर दिया जाता है और आप लोग खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ का एक डिफरेंट पर्पस होता है, ठीक है ना। हाइपो भी अमोनिया को बढ़ाता है, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपके टैंक अमोनिया बढ़ जाएगा, और अगर आप अपनी फिशेज को शिफ्ट करेंगे तो वो बीमारी लगेगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेज हो गई, क्लियर हो गया। अब आते हैं ग्रेवी की तरफ या सबस्ट्रेट की तरफ। अब जब आप इसके अंदर सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक्वेरियम बनाने वाले भी और बहुत सारे लोग आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपने नए टैंक के अंदर ही इसको वॉश कर लें, ठीक है, बट मैं इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ। उसका रीज़न मैं आपको अभी समझाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो तरीक़ेकार होता है ग्रेवल को क्लीन करने का, वो तरीक़ेकार ये होता है कि जी ग्रेवल को स्प्रेड कर दिया, ठीक है, उसके बाद जो है उसको बहुत अच्छे से हिलाया, उसकी ब्लड जो ऊपर आई तो उसको एक साइड को कट कर दिया, ठीक है, और उसकी जो लेंथ होती है तकरीबन इस तरीके से करके यहाँ तक आ जाती है।
सही है। उसके बाद जो है उस ग्रेवल के ऊपर फिर से पानी डाला और उसको हम इस कोने पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब इस कोने पे लेके चले गए, उसके बाद फिर हमने पानी डाला, गंदगी नजर आ रही है, फिर दोबारा पानी डाला, ठीक है ना, गंदगी नजर आ रही है, फिर दोबारा डाला, हाँ जी साफ हो गया, ठीक है। अब साफ हो गया, लेकिन अब आप ये देखें आपका नया टैंक है, ठीक है ना, न्यू टैंक है आपका, क्लियर ग्लास है। आप जब ग्रेवल या सब्सट्रेट को उठाएंगे तो उसका प्रेशर बैक ग्लास पे भी पड़ेगा और फ्रंट ग्लास पे भी पड़ेगा, साइड ग्लास पे भी पड़ेगा, ठीक है। और जब उसका प्रेशर पड़ेगा तो दैट मीन्स के वो स्टोन्स जो है वो शीशे से डायरेक्टली टकरा रहे हैं। तो जब आप इधर करेंगे और जब आप इधर करेंगे तो आपका जो मेन ग्लास है उसके ऊपर भी माइनर स्क्रैचेज आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब उसके अंदर आप पानी भरेंगे तो वो स्क्रैचेज आपको बहुत ही विजिबली नजर आएंगे, क्योंकि आपके ऊपर से लाइट पड़ रही होगी और लाइट के अंदर जो है स्क्रैचेज फौरी तौर पर नजर आते हैं। तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके अंदर स्क्रैच आ गया। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं तो फिर आप उसका ग्लास चेंज करवाइए, ठीक है, और जो कुछ आपने प्रोसेस सारा किया है वो सब आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपके पास 200 kg की ग्रेवल है, ठीक है ना, तो वो आपका कह लीजिए 30-40 kg एट अ टाइम एक बास्केट के अंदर आ जाता है, तो आपको 6-7 बास्केट मैक्सिमम जो है बाल्टियाँ जो है वॉश करनी पड़ेंगी। लेकिन ये एक दफ़ा की मेहनत है, फिर आपको सालों बाद कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी या आपको सब्सट्रेट चेंज करने का इरादा होगा आपका तो आपको वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ना कोई बताएगा ना इस बारे में कोई यूट्यूब के ऊपर इंफॉर्मेशन है, ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे होंगे जो इसके अंदर मैं आपको ये चीज़ जो है क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि बेसिकली सारी जो मैथड्स होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा जी, थर्ड स्टेज होगी, थर्ड स्टेज के बाद जो है हम फोर्थ स्टेज के ऊपर आते हैं, जो भी अपने सब्सट्रेट वगैरह डालना है हमने बास्केट के अंदर धोके इसके अंदर डाल देना, ठीक है। उसके बाद हमने उसको फैला देना है, फैलाने के बाद जो है हमने उसको अच्छे से हिलाने के बाद एक दफ़ा पानी निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा से पानी भर देना है और उसको सेटल होने के लिए हमने 24-47 घंटों के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हर 24 घंटे में आपने इसको हिलाना है और जो है डर्ट को जो है पानी के अंदर फ्लोट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने कुछ घंटों के बाद आपने उसको साइफन करना है और उसके बाद आपने दोबारा पानी भर देना है और यही सेम प्रोसेस जो है तब तक चलेगा, जिसको 6 स्टेज कहते हैं, तब तक चलेगा जब तक आपका पानी नेचुरली क्लियर ना हो जाए, ठीक है। अगर आप उसको जल्दी क्लियर करना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि आप वाटर कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। अगर वाटर कंडीशनर आप यूज़ नहीं करते हैं या आप अगर मेडिकेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो पहले आप कुछ ना करें, आप जो है उसके अंदर कहेंगे पावर हेड लगा दें, ठीक है। पावर हेड के साथ आप एक पावर हेड के अंदर आता है कार्बन फिल्ट्रेशन, इसी तरह का वहाँ होता है जब नॉर्मल RS के पर आते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है कार्बन कार्ट्रिज होती है, ठीक है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं कुछ कहें कि 24-47 घंटों के लिए, तो वो आपका पानी बिल्कुल फाइन और क्रिस्टल क्लियर कर देगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते, किसी भी किस्म का कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करना चाहते अपने टैंक के अंदर, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें फिश को नुकसान पहुँचाती हैं तो ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस है। अच्छा, मैंने इसको इतना कन्वीनियंट बनाया आप लोगों के लिए ताकि मैं आपको ये बता सकूँ, अभी नॉर्मली अगर आपके पास 4 फिट का टैंक है या 3 फिट का टैंक है तो उसके अंदर प्रॉपरली पूरे टैंक को साफ करने के अंदर 3.5-4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना। और ये इतना बड़ा टैंक, आप सोचें कि इसकी सफाई के अंदर कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैंने उसका एक प्रॉपर हल निकाला, उसका एक इजी वे मैंने निकाला, इतना इजी कि एक 10 साल का बच्चा जो है वो भी इस टैंक का पानी जो है पूरा चेंज कर सकता है, पूरा 100% भी चेंज कर सकता है, 30% भी कर सकता है, सिर्फ एक बटन दबाने के ऊपर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा, बताऊंगा कि वो किस तरह से काम करती है, और जो मैंने आपको बॉटल क्लीनिंग के लिए फिल्ट्रेशन का कहा था वो भी अपकमिंग वीडियो के अंदर जो है मैं कवर करूंगा और आपको बताऊंगा। अगर आपका कोई सवाल है
किसी भी वीडियो से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के अंदर, तो आप चाहें तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं तमाम सर्विसेज और गाइडलाइन हेल्प सारी फ्री करता हूँ, कोई चार्जेस नहीं है मेरे, कोई फीस नहीं है। बट जो आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती हैं वो मेडिकेशन इम्पोर्टेड होती हैं और वो आपको लेनी होती है, ठीक है। सिर्फ कंडीशन ये है, ऐसा नहीं है कि आप उससे अपॉइंटमेंट ले मेरे साथ बैठ के आप अपना भी टाइम लगा करें मेरा भी, आप मुझसे पूछें, ठीक है ना, मैं आपको हर चीज़ बताऊँ समझाऊँ और उसके बाद जो है आप वही कह लें जो आप करना चाह रहे थे, चीज नमक डाल दें, ये कर लें, वो कर लें, अगर फिश के साथ कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो क्योंकि इस वजह से उन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है जो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होते हैं और वो उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं जो मैं उनको गाइड करता हूँ, ठीक है। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो भी आप उससे अपॉइंटमेंट लें, ठीक है। सेकेंडली ये टाइम जो है इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये एक परफेक्ट टाइम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप उसको देखें या आपके एक एग्जाम्पल हो, ठीक है। आपको चार टैंक्स की ज़रूरत नहीं है, ये एक टैंक छोटा हो या बड़ा हो बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप अपनी फिशेज से वाकई मोहब्बत करते हैं और वाकई आप चाहते हैं कि वो एक लॉन्ग जर्नी आपके साथ गुजारें, तो उसके लिए ज़रूरी है उनके तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। मैं अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियो के अंदर पूरी एक पूरी स्टेजेस आपको दिखाऊंगा भी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है, प्रोसेस करके ग्रेवल को वॉश कैसे किया जाता है, जो मैंने रेकमेंड किया, सजेस्ट किया किसी बाल्टी में या टब में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको वॉश करना पड़ा किया जाता है और कितनी दफ़ा किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके सवाल हों किसी टॉपिक के ऊपर, आप चाहते हो कि प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, एक ऑथेंटिक पर्सन से, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिकली किसी टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो कहने के इस सारे प्रोसेस इस टैंक को बनाने के लिए पिछले 7 महीने से वर्किंग हो रही थी, ठीक है। इसका साइज, इसकी डायमेंशन, वाटर प्रेशर, कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे, किस तरह से लगेंगे, कहाँ लगेंगे, वायरिंग कहाँ से होगी, पानी का इनपुट कहाँ से होगा, ड्रेनिंग कहाँ से होगी, जगह हमारे पास कौन सी है, किस स्पेस के अंदर हम इस टैंक को बना रहे हैं, क्या वो हमारे लिए कन्वीनियंट है नहीं है, इस टैंक की हाइट कितनी रखी गई, क्यों रखी गई, इसके पीछे रीजंस क्या थे, ठीक है, वाटर ट्रेनिंग सिस्टम इसके अंदर क्यों लगाया गया ऑटोमेटिक, क्या रीज़न था उसका। इस टैंक को ये 19 mm का ग्लास के अंदर बना हुआ है, ठीक है, तो ये टैंक 19 mm के ग्लास में बनाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा भी, समझाऊँगा भी और दिखाऊँगा, ठीक है। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।